21 दिन में पैसा डबल। आज तक ये स्कैम हमने बस फिल्मों में देखा था, लेकिन आज हकीकत में इस स्कैम को कश्मीर में भी देखा गया है। स्कीम है, अमीरों की स्कीम मेरे हाथ लगी है। 25 दिन में पैसा डबल। 25 दिन में पैसा डबल तो मुझे भी डबल कराना है पैसा। 60 करोड़ रुपए एक कंपनी पहले लोगों को एक साल तक पैसा देती है प्रॉफिट में, लेकिन एक साल के बाद वो रफू चक्कर हो जाती है। आगे बढ़ने से पहले मैं ये कह सकता हूँ कि दुनिया में सबसे एक बेवकूफ और खुदगर्ज कौम कश्मीरी कौम है, क्योंकि अगर इमन जहर ते दिमो ब्रोह कुनत यम खन सु जहर ते यम सोचन ने पन्ने दिमाग से तिन की ये जहर शो एम से ते मारो इस मगर तेम पत लगाओ ने इल्जाम इम तेमिस इंसान इस पर यूस यमन ये जहर दिवान शो मगर पन इन अकल कर हन यम यूज की हिन। आज यही कंपनी का प्रमोशन कुछ महीने पहले हो गया है। इद्रीस मीर यावरवानी और एक जम्मू का जर्नलिस्ट है, इन्होंने प्रमोशन किया कंपनी का, तब कंपनी लीगल थी, और आज जब कंपनी ने फ्रॉड किया, कंपनी जब लोगों के पैसे लेके भाग गई, तो सारा इल्जाम अभी इन तीन लोगों पे आ जाता है। इनकी गलती कुछ नहीं है, गलती कश्मीरी लोगों की सोच में है, क्योंकि प्रमोशन करना कोई छोटी बात नहीं होती है। प्रमोशन एक एग्रीमेंट होता है, और एग्रीमेंट हवा में नहीं होता है, कुछ लीगलिटीज को देख के होती है प्रमोशन, कुछ डॉक्यूमेंटेशंस को, कुछ बिजनेस एथिक्स को देख के होती है प्रमोशन। जब ये तीनों बंदे अभी प्रूफ दिखाते हैं कि जब हमने प्रमोशन किया था तो उस कंपनी के हमने डॉक्यूमेंट्स चेक किए थे तभी जाके प्रमोशन हो गया था, लेकिन उसके बाद भी कश्मीरी लोग अभी इनके खिलाफ बहुत गंदा बोलते हैं। अभी सोशल मीडिया पे पूरी नफरत फैल रही है, इद्रीस मीर ने प्रमोशन किया, यावरवानी ने प्रमोशन किया, इनको अनफॉलो कर दो, इनको रिपोर्ट कर दो, इनका चैनल ही बैन करवा दो, ये अभी अफवाहें फैल रही है। लेकिन मैं तो समझ नहीं आ रहा है, मुझे मैं हैरान हो रहा हूँ इस चीज़ से, जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जो समझदार है, क्या सही है क्या गलत है, जो इस चीज में फर्क करना जानते हैं, वो भी इन पे अभी चढ़ रहे हैं। अब हम दूसरा साइड देखते हैं, जब भी हम किसी फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, किसी भी कंपनी पे, वेबसाइट पे, एप्लीकेशन पे, गेम पे हम जब पैसा लगाते हैं, तो हम उसके टर्म्स एंड कंडीशंस पहले पढ़ते नहीं है, 2 मिनट हम निकालते नहीं है कि हम उसकी प्राइवेसी पॉलिसी देखेंगे कंपनी की क्या है, बट नहीं, हमको एक ही चीज से मतलब होता है, 100 रुपए यहाँ से दो कंपनी को और वहां से 1000 रुपए ले लो, यानी हम यहाँ से इन्वेस्ट करेंगे और वहां से हमें कंपनी फायदा देनी चाहिए। अब दूसरा चीज भी यह है, जब भी हम कोई भी ऐसा एडवर्टीजमेंट देखते हैं किसी भी एप्लीकेशन का, जो हमें जहां पे हम पैसे लगाते हैं, वहां पे मेंशन क्लियरली होता है कि जब भी आप इस कंपनी में, इस वेबसाइट पे पैसे लगाओगे, सोच समझ के लगाओ। मैं समझता हूँ कि गलती बस उन लोगों की है जिन्होंने बिना सोचे समझे कोई भी पैसा इस वेबसाइट पे लगाया, और कुछ सो कॉल्ड जर्नलिस्ट जो खुद को कहते हैं, अभी जो चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के कहते हैं, कहाँ है वो यूट्यूबर्स जिन्होंने हमारे मासूम लोगों के, हमारे मासूम भाइयों के पैसे गवा दिए और कंपनी का प्रमोशन किया, खुद के घर बसाए। उनका काम ही है खुद का घर बसाना, प्रमोशन करके यूट्यूब पे डिजिटली कंटेंट क्रिएट करके, उन्होंने वो किया वैलिड डॉक्यूमेंटेशन चेक करके, और आप क्या कर रहे हो अभी, आप तो बस चिल्ला ही सकते हो। और ये लोग आपको मासूम लगते हैं, जो बंदा 50,000 रुपये 1,00,000 रुपये एक वेबसाइट पे पैसा लगा सकता है ये सोचे बगैर ही, कि कोई गारंटी नहीं है कि प्रॉफिट आएगा या नहीं, जो बंदा विदाउट रीडिंग द टर्म्स एंड कंडीशंस पैसा लगाता है वो आपको मासूम लगता है क्या? एनीवेज मैं ये कह सकता हूँ कि हलाल का पैसा हलाल के रास्ते, हराम का पैसा हराम के रास्ते। और आखिर पे इस वीडियो के थ्रू मैं एक मैसेज देना चाहूँगा तमाम उन लोगों को जो मेरी बात को समझ रहे होंगे, जो सहमत होंगे मेरी इस बात से, कि जिंदगी में हम शॉर्टकट्स अपना के पैसा कमा नहीं सकते हैं, अमीर नहीं बन सकते हैं, कामयाब नहीं हो सकते हैं। कामयाब होने के लिए हमें मेहनत करनी होती है, हमें खून पसीना एक करना होता है। आज भी हिंदुस्तान के जो भी सबसे बड़े अमीर लोग हैं ना, टाटा, बिरला, अंबानी, जितने भी हैं, वो आज के टाइम पे भी मेहनत करते हैं, सुबह 4 बजे उठ के मेहनत करते हैं और कमाना स्टार्ट करते हैं। और हमको क्या है, हमको तो बस ये चाहिए कि घर बैठे पैसे कमाओ। और आखिरी बात यही कि आप जितना भी पैसा कमाओ, जितना भी आप कामयाब हो जाओ जिंदगी में, हलाल का पैसा बरकत वाला पैसा होता है और हराम का पैसा 2 दिन में ख़त्म हो जाता है। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो एक लाइक दे सकते हो,
शेयर कर सकते हो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, और एक दूसरे के लिए कोई भी नफरत मत फैलाया करो। अगर कोई आगे बढ़ रहा है उसको अप्रिशिएट किया करो, और अगर कोई पीछे है उसको भी थोड़ा सा पुशअप किया करो, थोड़ा सा मोटिवेट, थोड़ा सा इंस्पायर किया करो, ताकि वो भी अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो जाए।